हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरोहित। और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, मल्टीपल इंटीग्रल्स का एक टॉपिक जो रहेगा आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बताया हुआ है, जहां पे आपको मैंने बताया कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रिपल इंटीग्रेशन की, बेसिक लिमिट्स क्या पुट करने होते हैं, कौन से सर्कल के लिए या फिर हेमिस्फीयर के लिए या फिर ऑक्टेंट के लिए। ठीक है, तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है अलग से। और टाइप वन में और एक मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन बना के वीडियो पे मैंने चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देख लो और कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर कर लो। अब आते हैं आज के वीडियो पे जो रहेगा आपका टाइप वन के ऊपर, जहां पे आपको कुछ इंटीग्रेशन गिवन रहेगी और वहां पे आपको सोल्यूशन निकालना है कि किस तरीके से उसका सोल्यूशन आएगा करके। ठीक, तो टाइप वन आपका है प्रॉब्लम्स ऑन डायरेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका टाइप वन बहुत बेसिक है, एग्जाम में बहुत ही कम आता है, ज्यादा करके आपको टाइप टू और टाइप थ्री आता है। ठीक है, तो टाइप टू और टाइप थ्री के लिए आपको यहाँ पे टाइप वन का आना भी बहुत कंपलसरी होता है। तो किस तरीके से आएगा चलो अपन आज के वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, इवैल्यूएट -1 to 1 dz इंटीग्रेशन 0 to z dx इंटीग्रेशन x-z x+y+z इंटू dy। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन गिवन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप, लेट i इक्वल्स टू जो भी आपको यहां पे क्वेश्चन गिवन होगा वो। तो क्या आएगा, i इक्वल्स टू जो भी पूरा लिखा हुआ है, मैंने उसको एज इट इज पूरा पूरा लिख लिया, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे क्या करेंगे, अब देखो लिमिट गिवन है, फंक्शन गिवन है, सब कुछ गिवन है, खाली क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो यहां पे x+z गिवन है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, थोड़ा समझना अच्छी तरीके से। जब भी इंटीग्रेशन में अपर लिमिट में ध्यान रखना, अगर x+z गिवन हुआ तो पूरे फंक्शन को किससे इंटीग्रेट करेंगे, y से। अगर यहां पे x+y गिवन होता तो पूरे फंक्शन को यहां पे dz से वहां पे उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या गिवन है, x+z, तो किससे करेंगे, यहां पे y से करेंगे। अब z गिवन है तो किससे हो रहा है, यहां पे x, यहां पे y नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा पूरा y अपना इंटीग्रेट करोगे y से तो y तो रिमूव हो जाएगा ना फिर, तो जो सोल्यूशन आएगा वहां पे खाली x बचेगा। और यहां पे किससे करना है, यहां पे आपको x से करना है क्योंकि यहां पे अपने को अपर लिमिट में z गिवन है। ठीक है, अब कैसे है अपन आने वाले स्टेप में देखते हैं। चलो, नाउ i इक्वल्स टू -1 to 1 dz 0 to z dx, अब इसको किससे करेंगे, dy से करना है। तो dy से मतलब x और z क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, बराबर। तो यहां पे आपका आ जाएगा, देखो y इंटू x+z आ गया प्लस y²/2 आ गया। यहां पे समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, नहीं देखो y इंटू x+z कहां से आया, x कॉन्स्टेंट है, z कॉन्स्टेंट है, बराबर। तो कॉन्स्टेंट के साथ में जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, अगर 1 होता उसका इंटीग्रेशन क्या आता है विथ रिस्पेक्ट टू x में, x आता है, तो देखो y इंटू x y+z, तो मैंने यहां पे y कॉमन था तो मैंने कॉमन निकाला और अंदर ब्रैकेट में x+z आ गया। ठीक है, अब इस y के लिए मेरा क्या आएगा, y²/2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू dy से कर रहे हैं, इसके लिए लिमिट आ गई मेरे राइट साइड में x-z to x+z। समझ में आया, ठीक है। अब क्या करो, एक बार लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो सोल्यूशन आएगा उसको dx के साथ में मल्टीप्लाई कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर लो। तो ये आ गया -1 to 1 dz 0 to z dx। अब ये पूरा मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो मुझे क्या मिला, x+z2 -x²-z²-x-z2 समझ में आया, ठीक है। i इक्वल्स टू, अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1 to 1 dz। अब देखो यहां पे खाली dx था, मैंने यहां पे नॉर्मली खाली वहां पे उसको विद रिस्पेक्ट टू z से वहां पे मैंने उसको इंटीग्रेट किया है और कुछ भी नहीं, तो अपने को वहां मिलेगा 3/2 x+z³/3 -x³/3 +z²/x -x-z³/6 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट क्या है 0 से z, तो ये आ गया 0 to z आ गया लिमिट मेरी यहाँ पे। समझ में अच्छी तरीके से, पक्का। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक खाली कैलकुलेशन निकालना था, इसके लिए अगर वो बेसिक निकालते बैठूंगा तो वीडियो और लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं यहाँ पे कि जब इसका निकालोगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड से तो आपको 3/2 x+z³/3 ऐसे करके आपको पूरा यहाँ पे सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब क्या करो, इसमें z लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो अपने को मिल जाएगा -1 to 1 4z³ -z³/3 +z³ -z³/2 +z³/6 इंटू dz। अब क्या कर दो, सिंपल सा, अब -1 to 1 है, dz से करना है, सब कुछ z है, तो लगा लो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन, तो अपने को आंसर मिलेगा -1 to 1 13z³/3 इंटू dz। समझ में आया इतना अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे भी डायरेक्टली आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं करना था। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होगा, आपको मिलेगा 13z³/3 इंटू dz। अब क्या कर दो यहाँ पे, सिंपल सा,
इंटीग्रेशन है जेड है और 13/3 मेरा बाहर आ गया, बचा क्या जेड क्यूब, तो जेड क्यूब का मेरा इंटीग्रेशन क्या आएगा, जेड जेड इज टू 4/4, लिमिट क्या है 1 1 -1 टू 1, तो जब लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा अपने को 1 -1 मिलेगा, मतलब 1/4 अपॉन 1/4 माइनस ऑफ -1/4 इज टू 4, समझ में आ रहा अच्छे तरीके से। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जेड क्यूब 13/3 मेरा बाहर आ गया, बचा क्या जेड क्यूब, जेड क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा जेड एस टू 4/4, समझ में आ रहा अच्छे तरीके से, जेड एस टू 4/4 आया, 1/4 को मैंने बाहर ले लिया, ठीक 1/4 बाहर लिया तो बचा क्या जेड एस टू 4, लिमिट क्या है 1 और -1, तो 1 -1 आ जाएगा राइट, तो वहां पे जब पुट करोगे तो मिलेगा आपको 1 -1 दैट इज 0, तो जब 13/3 × 1/4 × 0 करोगे तो आपको वहां पे आंसर 0 आता है, ठीक है ये मैंने आपको थोड़ा ओरली बताया, लेकिन जब वहां पे पुट करोगे ये सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे आंसर आपको 0 मिलेगा, समझ में आ जाए तरीके से पक्का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करो आपको ये पूरा पूरा स्टेप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये था कि आपका टाइप 1, अब आने वाली वीडियो में अपन क्या करेंगे टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो रहेगा आपका जब आपको लिमिट्स क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी और एक कंडीशन गिवन होगी तो आपको वहां से कुछ लिमिट कैसे निकालनी है और कैसे उनको पुट करना है, वो सब मैं आपको आने वाली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस है जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।